हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोमोज तो सबको पसंद होंगे, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी अच्छी सी रेसिपी जो मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए, वेज जूसी डम्पलिंग्स की रेसिपी। आप सबको भी ये बहुत पसंद आने वाली है। इस पे चिली गार्लिक ऑयल की ड्रेसिंग, ओहो मज़ा आ जाएगा, काफ़ी स्पाइसी टेस्टी डम्पलिंग्स बनके तैयार होते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग। वैसे ये शेप जो है वो नॉर्मली चिकन डम्पलिंग्स की होती हैं, पर आज हम इसमें स्टफिंग जो करेंगे वो पनीर की करेंगे, वेज डम्पलिंग्स बनाएंगे। देखिए लग रहा है ना जूसी टेस्टी, कर रहा है ना मन खाने का। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने एक कटोरी मैदा ली है, इसमें आधा चम्मच नमक डाला है और दो चम्मच ऑयल डाला है, और इसको अच्छा सॉफ्ट डो बनाना है। इसको पानी डाल के इसको अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। सॉफ्ट डो से क्या होगा, जो आपके मोमोज की जो शीट बनाएंगे वो आराम से पतली पतली बन जाएंगी। आप लोग को इसी की मेरी शॉर्ट वीडियो बहुत पसंद आई, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, लेकिन शॉर्ट वीडियो में मैं ज़्यादा सही से समझा नहीं पाई कि चिली गार्लिक ऑयल कैसे बनेगा, डो कैसे बनेगा, स्टफिंग को कितनी देर कैसे क्या करना है, इसलिए मैंने इसकी लॉन्ग वीडियो बनाई है जैसे आप लोग आराम से समझ पाओ। देखिए इसका सॉफ्ट डो मैंने तैयार कर लिया है, इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आराम से जब आप उंगली लगाओ तो वो आराम से अंदर चली जाए। इसको अच्छे से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट करने देंगे, डो को ढक के रख देंगे। इतनी देर में स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं वेज स्टफिंग बना रही हूँ इसलिए मैंने पनीर लिया है। पनीर को ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें गाजर डाली है मैंने, ये भी छोटी छोटी काट ली थी। हरा धनिया है थोड़ा सा, और एक चम्मच जिंजर गार्लिक, ग्रेटेड जिंजर गार्लिक है, इसको भी कद्दूकस कर लिया था। और ये एक बड़ा प्याज है, इसको भी फाइन चॉप कर लिया है। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और एक चम्मच काली मिर्च डालेंगे। अगर आप थोड़ा और, जैसे मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाली है। अब इसे मैंने हाथ से मिक्स किया। हाथ से मिक्स करने में क्या है कि जो प्याज जो चॉप किया था ये अच्छे से खुल जाएगा। इसको दबा दबा के मिक्स करेंगे तो ये प्याज जो है वो अलग अलग हो जाएगी, इसकी जो लेयर्स होती हैं वो खुल जाएंगी। देखिए स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। आप इस स्टफिंग की जगह कोई भी स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें चिकन की या वेजीज वाली। देखिए अब ये पतली पतली शीट्स बना ली हैं, इसमें बीच में स्टफिंग डालेंगे और बहुत सिंपल तरीके से इसको फोल्ड करना है, बस देखते जाइए। इसको इस टाइप से फोल्ड करेंगे जैसे होली पे गुजिया बनाते समय फोल्ड करते हैं, बस उसी टाइप से अच्छे से इसको सील कर देंगे साइड्स इसकी, और इधर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे ये राउंड राउंड सा इसकी जो शेप है वो आ जाए। ये शेप बहुत अच्छी लगती है क्योंकि जब चिली गार्लिक ऑयल आप इसके ऊपर डालेंगे ना तो ये इसमें रह जाता है, इसलिए ये शेप बड़ी अच्छी लगती है। इस पर ऐसे सारे डम्पलिंग्स रेडी कर लेंगे। इसको स्टीमर में डाल देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, इसको स्टीम होने देंगे फुल फ्लेम पे। 10 मिनट में ये अच्छे स्टीम हो जाएंगे, पतली शीट्स थी तो टाइम नहीं लगेगा, अच्छी पतली पतली बनेगी। अब इसकी ड्रेसिंग के लिए यहाँ मैंने आधा चम्मच सोया सॉस लिया है, एक चम्मच वाइट विनेगर लिया है, एक चम्मच केचप लिया है। केचप आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा ड्रेसिंग मीठी चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स लिए हैं, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालिएगा, उससे कलर भी अच्छा आता है। और थोड़े से ये सफ़ेद तिल लिए। अब गार्लिक ऑयल बनाने के लिए पैन में ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छा गर्म कर लेंगे, फिर इसमें चॉप्ड गार्लिक डालेंगे और गार्लिक को तब तक भूनना है जब अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए, इससे जो ऑयल है उसमें पूरी उसकी जो अरोमा है गार्लिक का वो आ जाएगा। गार्लिक ऑयल रेडी है। अब गार्लिक ऑयल को ड्रेसिंग में डाल देंगे और इसकी जो लहसुन है इसको हम छान लेते हैं। ये लहसुन फेंकेंगे नहीं, अभी ये आगे यूज़ कर लेंगे। देखिए सुंदर रेड रेड कलर की अपनी ड्रेसिंग तैयार हो चुकी है। इसमें स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे, ऑप्शनल है आपके पास वो आप डाल देना। चलिए अब साइड बाय साइड हम इसकी चटनी भी रेडी कर लेते हैं।
यहाँ मैंने दो टमाटर लिए हैं, 5 लाल मिर्च हैं जिनके बीज मैंने निकाल दिए वरना कड़वी ज़्यादा हो जाएगी, ये कश्मीरी मिर्च नहीं नॉर्मल मिर्च है, इसको भी डाल देंगे, इसे थोड़ा बॉयल होने देंगे। अब देखिए मैंने जो टमाटर है इसकी जो स्किन है वो मैंने नहीं हटाई है, स्किन में बहुत अच्छा कलर होता है, उससे कलर ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप भी स्किन मत ही हटाइएगा। और इसमें 12 से 15 कली लहसुन है, गार्लिक क्लोव डाल देंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब जो लहसुन हम लोगों ने फ्राई किया था गार्लिक ऑयल के लिए, उसी में हम अपनी चटनी जो बनाई मोमो वाली उसको फ्राई कर लेंगे। उसी लहसुन में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, जब अच्छा गर्म हो जाएगा तो इसी में चटनी डाल देंगे, मोमो चटनी। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मुझे गाढ़ी लग रही है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, मैंने 1/2 टेबलस्पून डाला है, सॉरी 1/2 टीस्पून डाला है, और 1/2 चम्मच चीनी डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब जो कड़वाहट है वो बैलेंस हो जाती है। देखिए 10 मिनट बाद हमारे जो मोमोज हैं वो स्टीम हो गए हैं अच्छे से। अब इसको प्लेटिंग करते हैं, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब इस पर थोड़ी सी धनिया या स्प्रिंग अनियंस जो भी आपके पास हो उसको डालेंगे, फिर ये जो चिली गार्लिक ऑयल की ड्रेसिंग बनाई थी इसको डालेंगे, और देखिए रेडी है हमारे जूसी वेज डम्पलिंग्स। एक बार बनाइएगा ज़रूर, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी। देखिए लग रहा है ना टेस्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।